प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के टॉपिक अध्यक्षात्मक व्यवस्था प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। जिस शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका विभाग व्यवस्थापन विभाग से सर्वथा पृथक होता है और कार्यपालिका विभाग का प्रधान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, उसे अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं। गार्नर के अनुसार अध्यक्षात्मक सरकार वह होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का अध्यक्ष तथा उसके मंत्री अपनी अवधि के बारे में संविधान की दृष्टि से विधानमंडल से स्वतंत्र होते हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में भी उसके प्रति अनुत्तरदायी होते हैं। अमेरिका, ब्राज़ील, पाकिस्तान और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश राज्यों में इस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के प्रधान अर्थात राष्ट्रपति को देश के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति किन्हीं भी व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है और इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था नहीं होती और ये मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद का अस्तित्व और कार्य पूर्णतः राष्ट्रपति पर ही निर्भर करता है। राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते और राष्ट्रपति कांग्रेस के नियंत्रण से पृथक रहकर शासन का संचालन करता है। राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका की कार्यवाहियों में भाग नहीं लेते और संसदीय शासन के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका का विघटन भी नहीं कर सकती। अध्यक्षात्मक शासन की विशेषताएं। पहली है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण। यह शासन व्यवस्था मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है और इसके अंतर्गत कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं। व्यवस्थापिका के अविश्वास एवं निंदा प्रस्तावों का कार्यपालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही कार्यपालिका कानून निर्माण संबंधी कार्यों में भाग लेती है। दूसरा है नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका एक समान। अध्यक्षात्मक शासन में संसदात्मक शासन की तरह नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती। राष्ट्रपति जो देश का वैधानिक प्रधान होता है वास्तविक रूप से भी कार्यपालिका की सभी शक्तियों का उपयोग करता है। तीसरा है निश्चित कार्यकाल। कार्यपालिका के प्रधान का निर्वाचन एक निश्चित समय के लिए किया जाता है और उसके कार्यकाल पर व्यवस्थापिका के विश्वास अविश्वास का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता सिवाय महाभियोग के। उसे उसकी कार्यावधि से पूर्व उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की मंत्रिपरिषद के सदस्य केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अन्य किसी के प्रति नहीं। अब हम देखते हैं कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में क्या अंतर होता है। पहला, कार्यपालिका प्रधान की स्थिति में अंतर। संसदात्मक शासन में कार्यपालिका प्रधान कार्यपालिका का नाममात्र का अध्यक्ष होता है। सैद्धांतिक दृष्टि से वह पूर्ण शक्ति संपन्न होता है लेकिन व्यवहार में उसकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का प्रधान न केवल औपचारिक रूप से बल्कि वास्तविक रूप से भी प्रधान होता है। वही मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है और ये सदस्य पूर्णतः उनके अधीन होते हैं। इंग्लैंड के सम्राट और अमेरिका के राष्ट्रपति में हम यह अंतर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दूसरा अंतर है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध के विषय में अंतर। संसदात्मक शासन में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही किया जाता है और यह व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी होता है। व्यवस्थापिका कानून निर्माण संबंधी कार्य करने के साथ साथ कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की जाँच भी करती है। कार्यपालिका के सदस्य विधानमंडल में उपस्थित होते हैं और कानून निर्माण संबंधी कार्यों में भाग लेते हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर काम करता है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रूप से किया जाता है। कार्यपालिका के सदस्य सामान्यतः व्यवस्थापिका में उपस्थित नहीं हो सकते और विधि निर्माण संबंधी कार्यों में भाग नहीं ले सकते। इसी प्रकार व्यवस्थापिका भी कार्यपालिका के कार्यों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखती है। तीसरा अंतर है कार्यपालिका संबंधी अधिकार।
संसदीय शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता और व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास करके कभी भी कार्यपालिका को पदच्युत कर सकती है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है और महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से कार्यपालिका को पदच्युत नहीं किया जा सकता। व्यवहार में महाभियोग की पद्धति को अपनाना भी अत्यधिक कठिन होता है। चौथा अंतर है मंत्रियों की स्थिति में। संसदात्मक शासन में मंत्रियों की स्थिति बहुत उच्च होती है, वे अपने विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं और कानून निर्माण का कार्य पर भी पर्याप्त प्रभाव रखते हैं, किंतु अध्यक्षात्मक शासन में मंत्रियों की स्थिति इतनी उच्च नहीं होती। ये मंत्री पूर्णतः राष्ट्रपति के अधीन होते हैं और कानून निर्माण पर इनके द्वारा कोई प्रभाव नहीं डाला जा सकता। वस्तुतः ये मंत्री न होकर विभागीय सचिव होते हैं। स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में तुलना। मानवीय स्वतंत्रता का रक्षण संसदात्मक या अध्यक्षात्मक किस व्यवस्था में अधिक श्रेष्ठ रूप में संभव है, यह एक जटिल प्रश्न है और इस संबंध में पर्याप्त विचार भेद हैं। यद्यपि संसदीय शासन के विरोधियों का विचार है कि दलीय अनुशासन की बढ़ती हुई कठोरता कार्यपालिका में विकसित होती हुई संसदीय शासन में कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, शासन व शासितों के मध्य सीमा संपर्क और शक्तिशाली विरोधी दल के कारण स्वतंत्रता की रक्षा अधिक अच्छे रूप से संभव है। अध्यक्षात्मक शासन के संबंध में सामान्यतः यही समझा जाता है कि राष्ट्रपति के तानाशाह के समान अधिकार और शासन की उत्तरदायित्व विहीनता के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं होती। इस प्रकार संसदीय शासन को स्वतंत्रता का ज्यादा अधिक संरक्षक कहा जा सकता है। जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के आधार पर इस संबंध में कहना उचित होगा कि संसदीय शासन अध्यक्षात्मक शासन की तुलना में ज्यादा अधिक जनतंत्रात्मक है। व्यक्ति की राजनीतिक प्रवृत्ति वास्तविक अभिव्यक्ति संसदीय शासन में ही संभव है, अध्यक्षात्मक शासन में नहीं। इसके अतिरिक्त जनतंत्र का तात्पर्य जनता की इच्छा के अनुसार शासन है और ऐसा केवल संसदीय शासन में ही संभव है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें वास्तविक शासक मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इस तुलनात्मक समीक्षा के आधार पर कहा जा सकता है कि संसदीय शासन अध्यक्षात्मक शासन की तुलना में अधिक लोकप्रिय है। यूरोप, एशिया व अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश राज्यों, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और उत्तरी अमेरिका के अनेक राज्यों द्वारा इसे अपनाया गया है। अध्यक्षात्मक शासन की लोकप्रियता अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका व लैटिन अमेरिका के राज्यों तक सीमित है। सन 1958 में फ्रांस के द्वारा संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन के मिश्रण को अपनाया गया है। श्रीलंका में भी 1977 में नवीन संविधान का निर्माण कर ऐसी ही व्यवस्था को अपनाया गया है।